लेकर के जाती, तो मैं भी रोज 4 महीने तक मैंने खूब सत्संग को सुना। उन गुरुजी के मुख से वो सत्संग व कथा, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर के मेरा मन उनमें ऐसा लग गया कि अब मैं अपनी माँ को छोड़ दूं लेकिन इन संतों को नहीं छोड़ सकता। जब मुझे पता चला कि बस ये कुछ ही समय में यहां से इनका चतुर्मास पूर्ण होने वाला है, जाने वाले हैं, तो व्यास जी मैंने जिद कर ली कि गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। और जब मेरी मां को पता चला कि मेरा बच्चा एक ही तो सहारा है मेरा बेटा, और ये भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी, संतों से कहा कि देखो आप समझाना इसे, आप ले मत जाना। संतों का जाना जाने का समय आया, संतों ने नारद जी से कहा जो पूर्व जन्म में पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं नारद जी व्यास जी को। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी उन संतों का लगाव इतना हो गया था मुझसे कि मेरा नाम उन्होंने बच्चा रामदास रख दिया था। कुछ भी कार्य होता अगर उनको जल पीना होता तो कहते कि बच्चा रामदास हमारे लिए जल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा नाम रख दिया उन्होंने। बड़े प्यार से बोलते थे वो। अब संतों ने तो मना कर दिया कि बेटा तुम्हारे कर्म शेष हैं, अपनी माँ की सेवा करो, लेकिन हाँ तुम्हें हम गुरु मंत्र देते हैं, जब भी मन में कुछ पीड़ा हो, कष्ट हो, इस मंत्र को गुनगुनाना, इसका जप करना, जरूर तुम्हें ठाकुर जी दर्शन देंगे। और महाराज वो संत चले गए। व्यास जी संत चले गए तो मुझे जोर से रोना आया, दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो मैंने अपनी मां को ऐसे ही कह दिया कि हे भगवान मेरी इस मां के कारण मैं उन संतों के साथ जा नहीं पाया, इससे तो अच्छा मेरी मां की मृत्यु हो जाए, ऐसे ही कह दिया। और अगले दिन ऐसा ही हुआ, जब मेरी मां गोदोहन कर रही थी, घास फूस में से एक सर्प आया, उस सर्प ने आकर के मेरी मां को डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु हो गई तो भी बड़ी पीड़ा हुई, मैं रोया तो जोर से, एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू। इसका क्या तात्पर्य? गर्म आंसू तो कष्ट के थे, दुख के थे कि मैंने कैसा अपराध कर दिया है, मैंने कहा मेरी मां की मृत्यु हो गई, और ठंडे आंसू खुशी के, चलो ठीक है जो भी भगवान ने किया अच्छा ही किया, अब मां नहीं रही, अब मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। और व्यास जी मैं दासी पुत्र बच्चा रामदास सीधा विशाला क्षेत्र में जाकर के गिरी गुफा में, और मैंने जो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र था उसका जाप किया मैंने। क्या मंत्र? उस मंत्र का हम भी जाप कर लें थोड़ा सा कथा के अंदर। इस मंत्र का जाप करने का भी बड़ा महत्व है, और जो मंत्र हम जाप करने जा रहे हैं वो आप सभी को याद भी है, और इस मंत्र को अपने जीवन में नियम से व्रत लेकर के नियम पूर्वक अगर जो व्यक्ति 13 करोड़ जाप कर लेता है उसको भगवान का साक्षात कार हो जाता है, दीदार भगवान ठाकुर जी बांके बिहारी सामने प्रकट होकर के आपको दर्शन दे देंगे। इतना महान मंत्र है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते।
वासुदेवा ओम नमो भगवते 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 वासुदेवा